यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अप टू इनफाइनेट इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 3 एक्स लाइ बिटवीन 0 टू पाई देन द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, और एक्स की जगह पाई बाई 2 नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पाई बाई 2 ले लिया तो 1111 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए मेंशन किया है। इसका पर्पस है कि अगर हमने पाई बाई 2 रख दिया तो साइन पाई बाई 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो आपको अगर इनफाइनाइट टर्म है तो भी 111 प्लस करेंगे तो 1 मिलेगा, इसलिए वहां पर मेंशन है पाई बाई 2 नहीं है। अब हम समझे तो ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का समेशन क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। बस 11th 12th के बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तब यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊँ तो a अपॉन 1 माइनस आर, राइट, तो a है 1, r है साइन x, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 3। अगर आपको साइन बताना है तो क्रॉस कर दें, तो 1 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 1 माइनस साइन x, और आप ऐसा भी बोल सकते हैं, सब समझाने के लिए स्टेप लिखिए, अदरवाइज नहीं लिखता मैं, राइट, तो ये हो गया 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लें तो 2 प्लस रूट ऑफ 3। यहाँ पर भी ये 3 मिलेगा तो रूट 3 कॉमन ले लीजिए तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, ये कैंसिल तो √3/2। अब 0 से पाई बाई 2 पाई में साइन 2 टाइम्स, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो एक हुआ पाई बाई 3 और एक हुआ 2π/3। दिस इज द राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, फॉर एन एपी S2n इक्वल टू 3 times of Sn द वैल्यू ऑफ S3n अपॉन Sn, रेशो पूछा है। वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेंस में भी आया हुआ है, अगर याद हो तो बहुत अच्छा है, कैसे निकालते हैं उसका भी तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। S2n means 2n by 2 2a plus n minus 1 2n minus 1 into d इक्वल टू 3 times of n by 2 2a plus n minus 1 into d। देखिए ये होता है n से n, 2 से ये 2 भी कैंसिल, एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं 4a plus 2d into 2n minus 1 इक्वल टू 6a plus 3d into n minus 1, या ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी को भी एक को ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे सपोज इसको आपने किया तो 2a इक्वल टू, इसको वहां लिया, इसको d कॉमन लिया, तो देखिए क्या होगा, 4n माइनस 2 माइनस 3n प्लस 3, मतलब 2a की वैल्यू आ गई एक तरह से n प्लस 1 एंड प्लस 1। अब देखिए आपसे किसका रेशो पूछा है, S3n अपॉन Sn का, मीन्स 3n by 2 2a plus 3n minus 1 into d अपॉन n by 2 2a plus n minus 1 into d, राइट, n by 2 से कम्प्लीटली n by 2 कैंसिल, देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 वैसे ही रहने दीजिए, चाहे तो 2a की जगह आप रख सकते हैं d into n plus 1, और d जैसे ही कॉमन लिया आपने तो n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1 ये मिला, नीचे आ जाइए, 2a d कॉमन ले लीजिएगा, ये d कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, राइट, ये 1 से 1 ये 1 से 1, ये 4n है ये 2n है, तो टोटल आंसर हो गया 6, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच 10 3x minus 10 2x upon 1 minus 10 3x 10 2x, ये 1 माइनस नहीं होगा 1 प्लस होगा, राइट, अब इसमें इक्वल टू 1 दिया है, बताना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। अब देखें तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पर इसमें क्या मिस्टेक होगी बताता हूँ, इसमें 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, अगर मैं इससे देखूँ तो ये होगा 10 3x माइनस 2x इक्वल टू 1, मीन्स 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, आपने जैसे ही पाई बाई 4 लिखा आपसे एक मिस्टेक होने वाली है, कई लोग इसका n पाई प्लस पाई बाई 4 लगा सकते हैं, बट रिमेंबर क्या दिक्कत है, यहाँ पर आपको एक समझना पड़ेगी बात, कि यहाँ पर ये 2x भी है, और इस 2x होने के वजह से अगर आपने 2 इंटू कर दिया तो 2 इंटू करने से क्या हुआ, ये पाई बाई 2 हो गया, जिस पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए एम्प्टी सेट, राइट, करेक्ट आंसर विल बी एम्प्टी सेट। ऐसे ही और भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पर 3x है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 3x है, तो ऐसे ही कुछ और जगह पे भी इनफाइनाइट हो सकता है, तो जब आप आंसर बता रहे हो तो इस तरह का भी ध्यान रखना है कि कहीं इस तरह की मिस्टेक आपसे ना हो रही हो, नोट करिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, n = 0 to infinity log x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, अगर आप ध्यान दें तो आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ी है, 1 plus x upon factorial 1 x² by factorial 2 x³ by factorial 3 एंड सो ऑन, बस यही आप यूज कर लीजिए, अगर आप इसमें 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 1 रखेंगे तो log x अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 रखेंगे तो log x का स्क्वायर
बाय फैक्टोरियल टू, इस तरह से टर्म मिलते जाएंगे एंड दिस इज लॉग ई पावर लॉग बेस ई एक्स, मतलब ये फॉर्मूला हो गया तो आंसर मिला एक्स। याद रखिएगा लॉग का बेस और पावर का बेस सेम हो तो रिमेनिंग कोफिशियंट ए एम लॉग बेस ए एक्स होता तो हमें मिलता एक्स पावर एम। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंड ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर पी 1.3 एंड क्यू 1.1, आर इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू सच दैट पी आर अपॉन क्यू आर इक्वल टू 1:2 लैम्डा इफ आर इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x देन लैम्डा बिलोंग टू। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा लॉजिक है, ये पी क्यू है, पी के कोऑर्डिनेट है 1.3, क्यू के कोऑर्डिनेट है 1.1 और यहां पर कहीं पॉइंट है आर जिसके की रेशो दिए 1:2 लैम्डा। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। राइट, अब ये कैंसिल हो गया तो एक तरह से आर के कोऑर्डिनेट आ गए 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब आपने पढ़ा है ये पॉइंट इंटीरियर है पैराबोला का तो वाई स्क्वेयर माइनस 4x लेस देन 0 होना चाहिए, तो y मतलब 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 4। अब x दिया है वहां पर तो 4x की जगह 1 लेस देन 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ओपन किया तो ये हुआ 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर। ओवरऑल हम अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर लिखा है 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब इसमें 4 का भी मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ये मत भूल जाइएगा, तो 1 प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 8 लैम्डा बाय। अब लेकिन नीचे का जो फैक्टर है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, आपको तो लेस देन 0 से मतलब है, बस लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 नहीं होना चाहिए, ये एक दिमाग में रखना है और कोई भी इंटरवल में ऐसा नहीं है इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम देखें तो 5 लैम्डा स्क्वायर 6 माइनस 8 है, ये देखिए 5 ये हो गया 9 माइनस 4 5 लैम्डा स्क्वायर ये हो गया, देखिए यहां पर कितना मिला था 6 लैम्डा, यहां पर 2 लैम्डा तो -8 तो ये हो गया प्लस ऑफ 2 लैम्डा माइनस ऑफ 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। इसका मतलब इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर हो गए 5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 1। क्या हो गया 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस ऑफ 3 एंड लैम्डा प्लस 1। अब चेक करिए 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 यस अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। आप रियल लाइन पर अरेंज करें तो एक फैक्टर मिल गया मुझे 3/5 मतलब सॉरी -1 और एक मिल गया 3/5 तो माइनस। पहले देखें हम कहीं पर ये एक मिनट 5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 है, 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, अच्छा ये माइनस का है सॉरी इसलिए ऐसा हो रहा। अब देखिए 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा बिल्कुल बैलेंस -3/5 एंड 1 तो ये करेक्ट आंसर हुआ -3/5, 1। राइट, नोट करिए।